देश में जारी लॉकडाउन के चलते विद्यालय प्रशासन भी अब अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहा है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राएं भी अपने घरों में बैठकर वीडियो कॉल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई हुई विषय बात अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है और छात्र भी अपना कोर्स पूरा करने में लगे होंगे। आज जब हम ऐसे ही छात्रों के बीच पहुंचे तो वो मोबाइल के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हुए मिले। उन्होंने बताया कि घर पर बैठकर पढ़ाई करने का ये अच्छा तरीका है और हमारे समय का सदुपयोग भी हो रहा है। ऑनलाइन ही हमें होमवर्क मिलता है, जिसको पूरा कर हम अपने शिक्षकों को ऑनलाइन ही भेजते हैं। यदि कोई कमी होती है तो शिक्षक हमें वीडियो कॉल के माध्यम से बताते हैं, जिससे हम वो कमी को दूर कर अपनी पढ़ाई को सुचारू कर रहे हैं। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। इस समय जो पूरे देश में महामारी फैली हुई है, उसमें हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया है जिससे कि विद्यालय में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इस लॉकडाउन के समय में हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य और सम्माननीय प्रबंधक जी के निर्देशन पर हम समस्त आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक क्लास का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें समस्त छात्राओं को उसमें जोड़ा गया है। वो भी वहाँ से उनके गार्जियनों की सहमति लेकर उनसे बात की, उन्होंने सहमति ली, उसके बाद इस प्रकार का ग्रुप बनाकर जिससे कि विद्यालय में प्रत्येक पीरियड के अनुसार ही सभी टीचर्स अपने अपना वर्क दे रहे हैं और वहाँ से बच्चे उन वर्क को करके पुनः उसी ग्रुप के माध्यम से हमारे पास वापस भेजते हैं टीचरों के पास। टीचर्स उनको चेक करता है, जहाँ उनमें कमियाँ होती हैं या गलती होती है तो उसको पुनः उसी ग्रुप के में टीचर्स समझा देते हैं, उनको बता देते हैं और उनकी की हुई गलतियों का सुधार भी करते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो, सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई चलती रहे और कोई भी परेशानी उनकी पढ़ाई में ना आ सके। वीडियो कॉल के जरिए किस तरीके से पढ़ाई? वीडियो कॉल के माध्यम से ऐसा होता है कि बच्चियों का विद्यालय है तो डायरेक्ट झूम से तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक क्लिप बनाते हैं, उस क्लिप को हम लोग व्हाट्सएप में टॉपिक वाइज क्लिप बनाकर व्हाट्सएप में डाल देते हैं और बच्चे उस क्लिप के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई उस टॉपिक को सुनते हैं, समझते हैं और फिर अगर कोई गलती होती है तो बच्चे उसको अपने यहाँ से वीडियो कॉल के माध्यम से या उस पर लिखने के माध्यम से पूछ लेते हैं और हम लोग उसको क्लियर करते हैं। कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि 3 मई तक लॉकडाउन किया जाता है। इसके कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इससे हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी कारण हमारे टीचरों ने यह निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करके बच्चों की व्यवस्थित क्लासें चलाएँगे, जिससे बच्चों का कोर्स भी ना पिछले और पढ़ाई होती रहे। इससे हमें बहुत सुविधा हुई है। टीचर हमें नेट के माध्यम से होमवर्क देते हैं और हम उसे कर उन्हें नेट ही के माध्यम से वापस भेज देते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो हमें बता देते हैं। तो वीडियो कॉल के जरिए किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? वीडियो कॉल के जरिए वो हमें जोड़ लेते हैं, फिर वो हमसे सवाल देते हैं तो हम उन्हें लगाते हैं और कोई नहीं आ रहा है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, जैसे कोई समझ में नहीं आया तो वो हमें समझा देते हैं सही से। घर पर बैठ के 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। जो सर जो हम लोगों को होमवर्क देते हैं वो हम उसी के माध्यम से सर के पास भेज देते हैं। तो वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं? हाँ, वीडियो कॉल के जरिए सर जैसे होमवर्क उसी में हम लोगों को जोड़ लेते हैं और वो जौन से सवाल पूछते हैं, हम वो जौन सवाल नहीं आता है हम उन्हें उनसे पूछ लेते हैं और वो हमें बता देते हैं।